नाजरीन आदाब, VSM प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अनाया। चलिए नजर डालते हैं मंगरूलपीर से हमारे संवाददाता गजनफा हुसैन की खास रिपोर्ट पर। मंगरूलपीर के ऐतिहासिक दरगाह हजरत दादा हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पर हाल ही में महाविकास अघाड़ी के विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर सिद्धार्थ देवले ने हाजिरी दी। उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी कामयाबी की दुआ मांगते हुए अकीदत के साथ चादर चढ़ाई। दरगाह पर जियारत के बाद दरगाह ट्रस्ट के अध्यक्ष अलहाज शमशुद्दीन जागीरदार, शहर अध्यक्ष सलीमुद्दीन जागीरदार, जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष जावेद सौदागर और पार्षद उबेद मिर्जा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान समाज और दरगाह के योगदान पर भी चर्चा हुई। अलहाज शमशुद्दीन जागीरदार ने कहा कि ये दरगाह सभी के लिए खुली है और उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि अपने मताधिकार का सही उपयोग करें और जनादेश का आदर करें, जो राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं डॉक्टर देवले ने दरगाह परिसर से भव्य पदयात्रा निकाली, जो दरगाह चौक से शुरू होकर टेकरी पूरा क्षेत्र तक गई। पदयात्रा में कांग्रेस के जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष जावेद सौदागर, जमील कुरैशी और कई स्थानीय नेता शामिल हुए। इस यात्रा में स्थानीय नागरिकों की भारी उपस्थिति रही और सभी ने जोश के साथ डॉक्टर देवले का समर्थन किया। पदयात्रा के बाद डॉक्टर देवले ने अक्सा हेल्थ क्लब का भी मुआयना किया और स्वास्थ्य सुविधाओं के महत्व पर जोर देते हुए एक्सरसाइज की। तो नाजरीन, मंगरूल पीर की दरगाह न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र है बल्कि राजनेताओं के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। चुनावों में ईश्वरीय आशीर्वाद की कामना से लेकर पदयात्राओं के माध्यम से जनता तक पहुंचने का ये सिलसिला आगामी चुनावी माहौल को और भी रोचक बना रहा है। VSM प्राइम पर हम लगातार ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।